वेलकम रूडी, एक जो है वो कैंडिडेट की क्वेरी आई है CUET एग्ज़ाम में जो है वो EWS सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें इनका कहना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है और सर्टिफिकेट का ईयर है यानी कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो दोनों सेम है, तो कैसे सुधरेगा प्लीज़ बताइए। तो देखिए, ये जो है वो वहाँ से ही सुधरेगा जहाँ से आपने बनवाया था, जिस भी ऑफिस से आपने बनवाया है तो वही ये सुधार करके देंगे। ये जो है वो आप कुछ ऑनलाइन ये सभी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है वो ऑफिस में विज़िट करना होगा और आपको अपना केस रखना होगा कि मतलब अपना बात रखना होगा कि सर ये जो है वो एक साल आगे पीछे का बनता है, तो फिर आपकी शायद बात सुनी जाए। ओके, तो आपको यही करना है कि अभी ऑफिस में जाना है और आपको रिक्वेस्ट करना है जो भी ऑफिसर से आपने बनवाया है सर्टिफिकेट। और आप दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर वो इनकार करते हैं सर्टिफिकेट में फिर से अमेंडमेंट करने के लिए, तो आप जो है एक नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए और उन्हें एक जो है वो कोई और कैंडिडेट का या जो है वो आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये जो है वो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम नहीं होता है। क्योंकि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो इनकम होती है वो पास्ट वन ईयर के बेसिस पे बनती है। ओके, तो ये बात उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें और अगर वो नहीं मानते हैं तो आप जो है वो नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। और अगर ब्लॉक लेवल पे आपने ट्राई किया है तो आप SDO लेवल पे या फिर RO SDM लेवल पे DM लेवल पे भी जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर जो है वो पहले वो लोग सुधार नहीं करते हैं तो।